चिंतासंतानहंतारो यत्पादांबुजरे नवः सियानां तान्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। गए वक्त अपन ने शुरुआत करी थी योग के जो विभिन्न अर्थों में सन्नाहन माने कवच उपाय ध्यान संगति युक्ति और परघातार्थ प्रयुक्त को युक्ति और चर्चा के साथ अपने को ये स्पष्ट भयो के यदि कोई अधिकारी है तो पुरुषोत्तम योग इन सभी अर्थन में लियो जा सके है। जरूरी नहीं है कि ध्यान या संगति में जो भक्ति मार्गी होने के कारण अपने को प्रिफेवरेबल अर्थ लगे है वही अर्थ लेना। एक बात ध्यान से समझो कि गीता एक ऐसा शास्त्र है एक तरह को मिरर के जैसो जब अपन जाके सामने खड़े हुए तो अपने को अपना चेहरा दिखे अपना चेहरा दिखे को मतलब क्या जो अपने थॉट्स हों जो अपने आइडियल्स हों
जो नहीं आइडियोलॉजीज हों, जिनको अपन चेरिश करते हों, वो सब की सब गीता में से अपने को मिल जाए ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन के लेवल पे, जस्ट या मिरर के सामने खड़े हो और तुमको तुम्हारा रिफ्लेक्शन की तरह या में गीता बोलती हुई मिले। तुमको याद नहीं है पर शायद तो गीता के चौथे अध्याय के प्रवचन में मैंने एक बात बताई थी, तो बड़ौदा में महाराज सयाजी राव को एक पोर्ट्रेट है, और भी कई जगह या तरीके के पोर्ट्रेट्स हैं। अब वह पोर्ट्रेट की ये ब्यूटी है कि कोई भी एंगल पे तुम जाके खड़े हो, सयाजी राव तुमको देखते भयो मिले, लेफ्ट में राइट में बैठ के खड़े होके कोई भी एंगल में जाके खड़े हो जाओ, गायकवाड़ सयाजी राव तुमको ही देख रहे हो, ऐसा तुमको वह पोर्ट्रेट में फील हो गए। सो कुछ तो या तरीके की बाय डिफॉल्ट गीता की ये खासियत है कि अपन कोई भी आइडियोलॉजी कोई भी फिलोसफी को लेके गीता को अप्रोच करें तो अपने को वह तरह से गीता बोलती भाई लगे, और गीता बोलती भाई लगे या को सबसे बड़ो प्रमाण ये कि जितने भाष्य गीता पे हैं आज अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग दृष्टिकोण के अलग अलग साधना प्रणाली के, इतने वर्ल्ड के शायद कोई भी धर्म ग्रंथ पे तो नहीं है, धर्म ग्रंथ पे तो नहीं है। हर धर्म ग्रंथ के उनके धर्म ग्रंथ के अनुयायी ने भाष्य लिखी होंगे टीकाएं लिखी होंगी, पर जो इनके गीता के अनुयायी नहीं है माने यहाँ पे नास्तिकन को भाष्य है, अनिश्वरवादीन को भाष्य है, ऐसे भी भाष्य हैं गीता पे, ज्ञानवादीन को कर्मवादीन को योगवादीन को भक्तिवादीन को, जाकी जो आइडियोलॉजी है वह को गीता में दिखे है। अद्भुत ये शास्त्र है। वाली है केयर नहीं लेनी, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, केयर तो जरूर लेनी चाहिए अपने को कई बातन की, जैसे जब अपन कोई बात कह रहे हो गीता में तो कंसिस्टेंट सेवा की है कि नहीं, ये केयर लेनी चाहिए, और अपन कौन सी आइडियोलॉजी की फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं वह बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, पर इतनी ना हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने कुछ फुर्तो हो तो जरूरी नहीं है कि जो पोपट की तरह तुमने पढ़े हुए वही यहाँ बोलो, कुछ अपने मन में भी आती हो बात तो बोलो, और बोलोगे तो शायद गीता कुछ तो जवाब देगी कुछ तो देगी जवाब गीता, क्या हो सके। अपन ने वो योग के विभिन्न अर्थन के विचार के तहत ये बात लास्ट टाइम देखी थी, आज अपन ये भी देखेंगे कंक्लूजन में के अपने जो अर्थ लियो जा रहे हो है वह में सु कौन सा अर्थ यहाँ कंसिस्टेंट है वो अपन विचार करेंगे। कितने श्लोक तक अपन ने किए थे? 11 श्लोक तक किए थे, और इन 11 श्लोकन में समाप्त में पीछे करूंगो अभी नहीं करूं क्योंकि वैसे तो ये कोई परीक्षा नहीं है कि पेपर पहले से फोड़े नहीं जा सके पेपर
पर पहले से भी फोड़े जा सके, और जहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो पेपर फोड़ना, वो वहाँ भी पेपर फूट जाते होंगे, तो इतना कोई गंभीर बात नहीं है। पर फिर भी टेंटेटिवली जब भी कुछ अपने एंगल से या की समरी है या अध्याय की, वो मैं पीछे करूँगा, क्योंकि